हेलो एंड वेलकम टू सेंस ऑफ स्मार्ट शॉप। मैं हूं आपका होस्ट संदीप डिडवाल और आज हम बात करेंगे आईबॉल का बीटी यूएसबी ऑडियो ट्रांसमीटर की। ये एक ऑडियो ट्रांसमीटर है जिसको यूज़ करके हम साउंड जो है वो हेडफोन के थ्रू रिसीव कर सकते हैं, सुन सकते हैं और बगैर किसी को डिस्टर्ब किए हुए। छोटी सी डिवाइस है, बहुत हेल्पफुल है। हम लोग घरों में टीवी देखते हैं और हमारे बाकी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या घर में कोई भी फैमिली मेम्बर वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए ये ख़रीदें। बहुत अच्छी डिवाइस है, छोटी सी डिवाइस है और 1300-1400 रुपए की मार्केट में अवेलेबल है। परचेज़ करनी हो तो आप हमें भी बता सकते हैं, हम भी आपको इसको डिलीवर करवा सकते हैं और बहुत ही कन्वीनियंट है और फाइन ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए आपको इसके साथ में एक हेडफोन लेना पड़ेगा। तो हेडफोन जो है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला होना चाहिए, उसको यूज़ करके आप अपने टीवी को ब्लूटूथ के थ्रू सुन सकते हैं। छोटी सी डिवाइस है लेकिन बहुत हेल्पफुल है। इसको यूज़ करके आप किसी को भी फैमिली मेम्बर्स को बगैर डिस्टर्ब किए हुए टीवी का साउंड जो है हेडफोन के थ्रू रिसीव कर सकते हैं, सुन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्लीज़ एक बार मैं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, आपको मेरे वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप लिखिए। मैं कोशिश करूंगा अपने आने वाले वीडियोस में वो इम्प्रूवमेंट ला सकूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये डिवाइस, इसका एमआरपी जो है वो है 1475। मार्केट में आपको 1300-1400 रुपए तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे आपको आपके घर तक डिलीवर करवा दें। देखते हैं इसके अंदर है क्या है। दोस्तों इसमें डिवाइस के साथ में छोटी सी यूज़र मैनुअल मिल जाती है। यूज़र मैनुअल को देख देख के भी आप इजीली इसको सेटअप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है आपकी डिवाइस जो कि यूएसबी ऑपरेटेड है, कोई सेपरेट पावर सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। टीवी के बैक साइड में यूएसबी अमूमन सभी में होती है, आप वहाँ पे यूएसबी कनेक्टिविटी इसको दे सकते हैं। इसके थ्रू यूएसबी कनेक्ट कर दीजिए टीवी के बैक साइड में। अब मुझे मालूम है कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अगर यूएसबी ना हो तो क्या करें। बहुत इजी है, एक यूएसबी अडाप्टर लगा लें, यूएसबी अडाप्टर में इसको लगा सकते हैं। ये इसकी एक्सटेंशन केबल है, इसके साथ में एक एक्सटेंशन केबल मिलती है। टीवी में बैक साइड में यूएसबी कनेक्टिविटी है, यूएसबी पोर्ट है, लेकिन वहाँ पे आपका ये डिवाइस सेट नहीं बैठ रहा है। थोड़ा अगर ये लंबा छोटा या किसी कारण से भी ये सेट नहीं बैठता है वहाँ पे, तो आप यूएसबी केबल लगा के इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इसमें आप यहाँ पे केबल ये एक्सटेंड करके लगा सकते हैं और फिर इसको यूएसबी केबल में लगा, यूएसबी पोर्ट में ये वाली केबल लगा दें। अब इसके बाद में क्या करें, ये तो इसको पावर मिल गई डिवाइस को, अब इसके बाद में क्या करें। इसके बाद में करें आपको एक 3.5 mm जैक बोथ साइड पे जो इसके पिन होगी वो आपको मिल जाती है। ऑडियो केबल है ये, ठीक है, ऑडियो केबल है। इसका एक एंड डाल दीजिए आप इसके यूएसबी ट्रांसमीटर के अंदर और एक टीवी के बैक साइड पे 3.5 mm का जैक होगा उसमें आप लगा दीजिए। ये डिवाइस क्या करेगी, ये आपके जो साउंड आ रही है उसको ब्लूटूथ के थ्रू आपके ब्लूटूथ हैंडसेट जो आपका हेडफोन है ब्लूटूथ उसमें आपको डिलीवर करवाएगी। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि ये ऑडियो ट्रांसमीटर है, तो नो डाउट साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी ट्रांसमिट करता है। अगर आपके टीवी के बैक साइड पे एलईडी टीवी में या एलसीडी जो भी आपका है उसके बैक साइड पे 3.5 mm का जैक नहीं है तो यकीनन
उसके पीछे ये केबल होगी जिसमें कि दो पिन्स हैं रेड एंड वाइट, ये ऑडियो पोर्ट में आप लगा दीजिए। और ये जो 3.5 mm का जैक है इसको आप USB ट्रांसमीटर में लगा दीजिए और इसको आप जो आपका टीवी है उसके बैक साइड में जो साउंड आ रही है पोर्ट है साउंड के उसमें आप लगा दीजिए, ठीक है। ये लगाने के बाद में अपना ब्लूटूथ हेडफोन जो है वो ऑन करिए, सर्च करिए। सर्च करने पे आपको ये डिवाइस मिल जाएगी, कनेक्टिविटी जैसे बाकी ब्लूटूथ डिवाइसेस को करते हैं वैसे ही होगी। करने के बाद में आप जो टीवी की साउंड है या किसी भी ऐसी डिवाइस की साउंड है जो आप सुनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बाकी उसको सुन के डिस्टर्ब ना हो, वो आपको सुनने को मिल जाएगी हेडफोन के थ्रू और आप इजीली अपने प्रोग्राम्स का मज़ा ले सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो बनाया, आपको पसंद आया क्या नहीं पसंद आया प्लीज़ अपने कमेंट्स जो हैं अपने सजेशंस जो हैं वैल्यूएबल वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब से मैंने अपना फ़ोन नंबर देना बंद कर दिया है क्योंकि इतने फ़ोन कॉल्स ऑल ओवर इंडिया से आते हैं कि मेरे को हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आपका जो भी क्वेरीज हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है जी। आपको अगर ये डिवाइस चाहिए तो भी आप हमें क्वेरी बॉक्स में लिख दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उन डिवाइसेस को भेजने की कोशिश करेंगे। ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्राइस वाइज भी आपको अच्छा मिल जाएगा डिवाइस। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले एक बार मैं फिर से बोलूँगा अपने व्यूअर्स को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको अच्छा बुरा लगा। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूवमेंट लाने की। इसके साथ अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।